तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्री गौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामिने नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्य तम श्रील गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपा श्री श्रीमद्भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान कृपा करके क्या करते हैं, हमारे जीवन में महापुरुषों को भेजते हैं। महापुरुष क्या करते हैं वो बताते हैं कि हमें प्रार्थना करने का जो तरीका है उसको सिखाते हैं। कृपा तो भगवान ने ही करना है, भगवान का कृपा ही काम करता है, लेकिन उस कृपा को एक हम अनुभव कर सके, दूसरा उस कृपा को याचना करने का शिक्षा हम लोग ले सके, वो काम भगवान अपने भक्तों से कराते हैं। समस्या ये है, ये संसार के अंदर का जो व्यक्ति है उनको प्रार्थना करना भी आता नहीं है। ऐसे कैसे, क्योंकि वो सब्जेक्ट को कभी स्टडी नहीं किया है, जिस वस्तु को वो कभी अध्ययन ही नहीं करता उसके संबंध में उसको जानकारी हो ही नहीं सकता। या तो ऐसा हो कि उसने एक ऐसी तत्व को पढ़ा है जिसके अंदर सभी वस्तुओं का एक एक साथ में हो, है ना। एक पढ़ने से ऐसा हो गया कि उसने सब पढ़ लिया, क्योंकि उसके अंदर बाकी अन्य सारी वस्तुएं हैं, वो सब उसी के अंदर एक साथ में है। इसीलिए भगवान खुद बोल रहे हैं, यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, सब में व्याप्त हूँ, मैं भगवान हूँ, सब मेरे ही कारण हो रहा है, मेरा ही सब सृष्टि है, मैं ही नियंता हूँ, भोक्ता हूँ, प्रभु हूँ, सब मैं ही हूँ। इसीलिए अगर किसी ने मुझको समझ लिया तो मेरा जो कुछ भी सृष्टि है, चाहे वो अंतरंग जगत का हो या बहिर्मुख जगत का हो, सबका ज्ञाता हो जाएगा, है ना। ऐसा वो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, इसीलिए बता दिया। क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त किया मतलब उसने पूर्ण ज्ञान को भी प्राप्त किया। इसीलिए भगवान का एक नाम वेद है। वेद का मतलब एक अर्थ ज्ञान भी होता है, मतलब है कि चराचर जगत, नित्य जगत, अनित्य जगत, मतलब ये माइक जगत और वो चिन्मय जगत, हर वस्तु के संबंध का ज्ञान को वेद कहते हैं। इसलिए जिसने ब्रह्म को समझ लिया, उसने भगवान को समझ लिया, उसने तो जगत में अनेक वस्तु को अलग से समझने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। अन्यथा अगर हम विचार करके देखते हैं, जिस वस्तु का व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है, जिस वस्तु के संबंध में, वो उसको समझेगा क्या। अब समस्या ये है, माइक जगत में फंसा हुआ जीव ब्रह्म विमुख होकर के जी रहा है, उसके जीवन में भगवान नहीं है, इस कारण से उसको ये भी नहीं पता कि मुझे प्रार्थना क्या करना है। अगर भगवान होते, अब आप देखो ध्रुव महाराज है, 5 साल का छोटा सा बालक है, उन्होंने हृदय के अंदर एक सकाम भाव को लेकर कि मुझे जो है अपने पितामह से भी बड़ा राज्य को प्राप्त करना है,
इस उद्देश्य से ध्रुव महाराज ने क्या किया, वन में चले गए तपस्या करने। कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हुआ उनको, छोटा सा बालक है, ये भी नहीं पता कि भगवान दिखाई कैसे देते हैं। केवल उनकी माता ने इतना कह दिया कि पुत्र पद्म पलाश लोचन है उनके, कमल के पंखुड़ी जैसे नेत्र है उनके, इसलिए तुम जो है कमल नयन भगवान जो है उनको तुम स्मरण करना। इसलिए जंगल में चले गए वो घर छोड़ के। अब क्या करते हैं, अगर ध्रुव महाराज का जीवनी हम पढ़ते हैं, एक एक जीव जंतु के पास जाके उसको पूछते हैं कि क्या तुम ही हरि हो। ज्ञान का अभाव है, इसीलिए जिज्ञासा एक अलग प्रकार से है। लेकिन उनकी निष्कपट जो प्रयास है, यहां तक कि शेर चीता आदि भयंकर जीव जंतुओं के पास भी जाके उनको पूछते हैं क्या तुम ही हरि हो, उनकी निष्कपट चेष्टा जानकारी लेने का एक प्रयास ने जो है भगवान की कृपा को आकर्षित किया। उसी जंगल में, घनघोर जंगल में नारद गोस्वामी आके उन्हें उपदेश करके जाते हैं कि बेटा तुम इस मंत्र का जाप करना। जब उस मंत्र को जाप किया, वो केवल मंत्र नहीं है, भगवान के साथ में उनका संबंध का एक सूत्र है, दे दिया। उस सूत्र को पकड़ के उन्होंने जब ध्यानमग्न होकर उसका चिंतन करने लगे, क्या होता है, भगवत दर्शन उनको प्राप्त होता है। और उसके बाद ध्रुव महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अरे ज्ञान कहाँ से आ गया, बोलते हैं भगवान को पाने के बाद सारा ज्ञान तो अपने आप ही आ जाता है। ऐसा ज्ञान कि ध्रुव महाराज भगवान से बोल रहे हैं अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ चाहिए नहीं, बोलते हाँ मैं तो एक छोटे से कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया। उनको ये पता चल गया कि ये कांच का टुकड़ा था, बिना किसी के कहे। और उनको ये भी समझ में आ गया कि भगवान जो है हीरा है। एक वज्र में और कांच के टुकड़े में कितना अंतर होता है वो कौन समझ सकता है। जो एक परफेक्ट जो जुआरी है वही केवल इस चीज को समझ सकता है, या जिसने वो जम स्टोन्स के बारे में स्टडी की है। लेकिन इनको पता चल गया ध्रुव महाराज को कि क्या कांच का टुकड़ा है जो मूल्यहीन है, और क्या, क्यों, क्योंकि भगवान को पाया। ये संसार का जो जीव है वो लोग वास्तविकता में प्रार्थना करना जानते नहीं, भगवान कृपा करके उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, लेकिन कृपा को तो ले रहे हैं, लेकिन उनसे क्या मांगना है वो उनको नहीं पता। इसीलिए हमारे पूर्व आचार्य, हमारे पूर्व गुरुदेव, आज से लगभग 150-200 साल के समय के परमहंस श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज हुए हैं, बहुत महान आचार्य रहे हैं। उन्होंने असंख्य ग्रंथों की रचना की, उनमें से उन्होंने कल्याण कल्पतरु नाम का संकीर्तनों का एक साहित्य को प्रकट किया। कल्पतरु मतलब है कल्पवृक्ष। अब जो है ये कल्याण कल्पतरु है, मतलब इसके नीचे हमारे हृदय में आई हुई आने वाले हर कल्पना, हर चाहत हमारा कल्याणकारी होता है। नहीं है तो बदजीव का स्वभाव है भोग मांगना और उसके बाद रोग से भय करना, यह सब उसमें रहता है। अब कल्पतरु के नीचे जाके बैठा है, काश मुझे बढ़िया सोने के लिए खटिया मिल जाए, आ गया व्यवस्था। मुझे खाने के लिए बढ़िया मिल जाए, आ गया व्यवस्था। अब जो है जो चाहिए वो मिलता है, एक विशेषता है उसके अंदर, डर भी आता है। सब कुछ हो रहा है जैसे चाह रहे ऐसे हो रहा है। कई बार जो है चाहत पे प्रहार होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो जो है आदमी
वो बन जाता है। चाहत पे प्रहार नहीं हुआ तो महत्वाकांक्षी बनता है, और वो महत्वाकांक्षा से जो है उसके अंदर भय उत्पन्न होता है, क्योंकि मन संकल्प विकल्पों के बीच में जूझ रहा होता है, वो तो स्थिर है नहीं। चंचल मन वाला व्यक्ति की हर कामना जब पूरा होता है तो उसके अंदर जो है महत्वाकांक्षा भी बढ़ता है, भय भी बढ़ता है, और दोनों ही दुख का कारण होता है। अब जो है वो सोच रहा है कि सब कुछ तो हो रहा है, ये जंगल है, कहीं ये ना हो कोई शेर आके मुझे खाई जाए। उसके नीचे वो कल्पना कर रहा है, वो कल्पना उसका सिद्ध भी हो रहा है। खा गया क्या? इसीलिए यहां आचार्य बोलते ये कल्याण कल्प तरु है, तुम बदजीव है, इसीलिए तुम्हारा चाहत जो है अंत में तुम्हारा पतन का हेतु होगा। तुम जो चाहोगे वो अंत में तुमको दुखी देगा, इसीलिए ये कल्पतरु जो है एक ऐसी कल्पतरु है, इसके नीचे जो भी कल्पना में आएगा वो केवल मात्र तुम्हारा मंगल करने वाला ही होगा, तुम्हारा उद्धार करने वाला ही होगा। ये विशेषता है, इसलिए हम देख कल्याण कल्पतरु है, नहीं तो सिर्फ कल्पतरु भी बोला जा सकता है, लेकिन ना, क्यों? ये शरीर के स्तर से ऊपर उठाकर और उसके बाद सूक्ष्म शरीर के स्तर से ऊपर उठाकर सच्चिदानंदमयी आत्मा का इस संसार के बंधन से मुक्त करके उस परब्रह्म भगवान के श्री चरणों में ले जाकर उसके परमानंदमयी अवस्था में डुबा के रख देगा। ऐसी विशेषता है इस कल्पतरु का। इसके अंदर जो आशाएं जो उठते हैं इस तरु के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति का, उसका विशेषता यह है कि वो उसका मंगल के लिए होता है। वो क्या है? वो बोलते हैं कृष्णानुशीलन वृत्ति, ऐसा उसके अंदर जो कामना जो उठता है। ये नहीं कह रहे कि तुम्हारे में कामना खत्म हो जाएगा, कामना होगा, कामना होगा, वो तो जाएगा नहीं, लेकिन वो कामना से जो है तुम्हारा अमंगल नहीं होगा, परम मंगल होगा। ऐसी कौन सी कामना है? वो बोलते हैं अनुकूल ये कृष्णानुशीलनम वाली जो कामना है वही होगा। मतलब भगवत सेवा के लिए अनुकूल जो कामनाएं होंगे वो कामनाएं वहां पर उठेंगे इस कल्पतरु का आश्रय लेने पर, इसके छाया में आके बैठने पर। उसको भोग नहीं, प्रभु के साथ में योग की कामना प्रबल हो जाता है। ये विशेषता है, इसलिए इनका नाम कल्याण कल्पतरु देकर इसमें वो अलग अलग प्रकार की शिक्षाओं को दे रहे हैं। उसमें से उन्होंने क्या शिक्षा दिया कि किस प्रकार से हमने भगवान से प्रार्थना करना है, और वो भी कैसी प्रार्थना? एक चाहत के साथ भरा हुआ प्रार्थना, एक लालसा वाली प्रार्थना। मतलब उसके अंदर एक उत्कंठा है, एक फॉर्मेलिटी प्रेयर नहीं है, ये इंटेंसिफाइड प्रेयर है। और वो भी किस तरफ? उन्हीं की तरफ। उनका जो प्रार्थना का जो वो जो इंटेंस वो है वो उनके उपाने के लिए है, ना कि और किसी वस्तु की चाहत में। एक होते, कई लोग होते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं करते, प्रेयर नहीं करते, दे डू प्रे गॉड, लेकिन उसके अंदर जो है केवल मात्र छोटे मोटे चीजों की कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है। मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, मेरा ये हो जाए, मेरा हो जाए, मैं अच्छा रहूं, ठीक रहूं। इधर वो काम नहीं है, इधर क्या है? तुम्हारा इच्छा अवश्य पूर्ण होगा। कौन सा इच्छा? जो तुम्हारे मन की इच्छा, और वो मन की इच्छा भी बदजीव होने के कारण गलत ना मांग ले, उसके लिए कल्याणमयी कामना, उसको पूर्ण करने वाला जो तरु है
वही ये कल्याण कल्प कर रहे हैं। और वो चाहत भी हल्के वाला नहीं होता, बड़ा गंभीर वाला होता है, जिसके चलते जैसे एक छोटा सा शिशु जो उस झूले के अंदर लेटा हुआ है, माँ अपना काम को कर रही है, वो जाग गया। अब वो लेटा हुआ है तो माँ अपनी काम करती है। अगर उसने माँ को बुलाना है कि उसको माँ चाहिए अपने पास, उसको जोर से रोना पड़ता है ना। बच्चा झूले में लेट करके रोना शुरू कर देता है जोर जोर से, उस समय रोना आ जाता है, उसके पास पुकारने का और कोई साधन है नहीं। जैसे ही वो रोने लगता है, साथ साथ सब काम छोड़ के माँ आती है, उसको अपने गोद में उठा लेती है। ऐसा एक तो ये कि भगवान के साथ संबंध बनाकर उस संबंध की चरमावस्था तक ले जाने का एक साधन है प्रार्थना, वो हम लोगों को हमारे आचार्य बतला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहां पर, बड़ी सुंदर शब्दों में उन्होंने प्रार्थना किया, क्या बोल रहे हैं? बोलते कवे मोर शुभ दिन होई बे उदय। क्या बोलते हैं, वो दिन कब आएगा, वो शुभ दिन, वो मंगलमय दिन कब आ जाएगा? मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु कब मेरे जीवन में वो मंगलमय दिन आएगा, उदित होगा, प्रकाशित होगा। क्यों, क्या चाहिए? बोलते वृंदावन धाम मम होई बे आश्रय, इधर उधर नहीं। बोलते ये शहर वो शहर, इधर उधर नहीं, क्या चाहिए? वृंदावन धाम मम होई वे आश्रय, मेरा आश्रय का स्थान, एकमात्र स्थान व्रज धाम हो, मेरे प्रभु का धाम हो। भगवान क्योंकि वृंदावन से बाहर नहीं जाते, भगवान स्वयं इस बात को बतलाते हैं कि वृंदावन को छोड़कर एक चरण भी मैं बाहर नहीं रखता। ऐसे मतलब क्या है, वृंदावन कौन सा स्थान है? ऐसे सुरम्य स्थान है जहाँ पर स्थान की बात नहीं है, जहाँ पर हर एक धूलिकण कृष्ण से प्रेम ही करता है, वहाँ विशेषता है। अब भगवान के सभी धाम जो है चिन्मय होते हैं, चाहे द्वारिका जी हो, चाहे पुरुषोत्तम धाम हो, औदार्यमयी धाम हो, या कोई भी धाम हो, हर धाम जहाँ पर भगवान प्रकट हुए वो स्थान चिन्मय होता है। यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ की विशेषता ये है, यहाँ एक एक धूलिकण भी कृष्ण को भगवान नहीं समझता है। अगर कृष्ण को भगवान समझे तो ऐश्वर्यमयी भाव आएगा, जहाँ ऐश्वर्यमयी भाव आता है वहाँ प्रेम का अभिव्यक्ति जो है कमजोर पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता। हम लोग दो दोस्त थे कई साल पहले, दोनों ही आश्रम में आए थे और इतनी पक्की दोस्ती हुआ था कि एक समय ऐसा भी था कि हम लोग जिंदगी भर एक साथ रह के सेवा करेंगे, मिल के रहेंगे, ऐसे करके उत्साह के साथ हम लोगों ने संकल्प किया था। बाद में बड़ा अच्छा, हम एक ही कमरे में रहते थे, एक ही साथ रहते थे। बाद में हुआ क्या है, एक साथी को गुरुदेव के सेवा में जाने का मौका मिल गया था, साक्षात गुरुदेव का सेवा। अब हम लोग एक छोटे से सेवक हैं, उनमें से उठाकर जब गुरुदेव की सेवा में एक को मिल गया तो गुरुजी के आगे पीछे रहने से, गुरुदेव के कारण, उनके वैभव के कारण सेवक का भी जो है बहुत सम्मान मिल जाता है, ऐसा होता है। क्योंकि सेवक साथ में रहते सब समय सेवा करते हैं तो उनको भी बहुत सम्मान मिल जाता है। वो सम्मान मिलते 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 उनका स्तर इतना ऊपर उठ गया था, हम दो इतने घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन उसके बाद जब हम लोग मिल रहे हैं, मिल तो रहे हैं लेकिन जिस घनिष्ठता के साथ पहले दिन हमारा मुलाकात हुआ,
एक दिन उतनी घनिष्ठता के साथ मुलाकात नहीं हुआ। वहां पर जो है, जो स्तर है, वो स्तर बीच में आ गया। ऐसा वहां एक स्तर जो बदला हुआ स्तर है, क्योंकि हम तो साधारण सेवक ही रहे, लेकिन वो साधारण सेवक नहीं रहे, अब वो एक महान व्यक्ति के स्थान पे बैठे। तो वो दूरी जो है वो आया, और संसार में क्यों नहीं आएगा। खैर, इधर बात तो संसार का नहीं हो रहा। अब अगर हम विचार करते हैं भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण जिस समय वृंदावन के अंदर विद्यमान हैं, उनके प्रति उनके सखाओं का व्यवहार, उनका प्रेम जिस प्रकार से व्यक्त होता था, लेकिन वही कृष्ण जब द्वारिका में गए हैं ऐसा नहीं था। इसीलिए भगवान को द्वारिका का भाव अच्छा नहीं लगता है। आप देखो, वृंदावन के अंदर सखा लोग कृष्ण के साथ में चल रहे हैं, गोचारण के लिए चल रहे हैं, ग्वाला बन के कृष्ण घूम रहे हैं। इतना इतना घुटना तक वस्त्र रहता है, कमर में पटका रहता है, इधर सींग रहता है बजाने वाला, बंसी रहता है, और उसके बाद और दो और रहते हैं, मुरली वेणु, तीन रहते हैं, एक फ्लूट नहीं होता, तीन होते हैं, वो तीन यहाँ, फिर उसके बाद एक सींग रहता है ऐसा जिसको बजाते हैं। ये सब वहाँ पर लटका के और पोटलियाँ बांध के वो लोग घर से निकल के सखाओं के साथ जाते हैं। अब सखा लोग कृष्ण को क्या बोलते, चल खड़ा हो इधर, भगवान को कौन बोल सकता है। और वो उनके कंधे पे चढ़ते हैं, भगवान के कंधे पे उनके सखा लोग चढ़ रहे हैं, एक पे एक, एक पे एक चढ़ के पेड़ का सपोर्ट लेके ऊपर चलते हैं और ऊपर से फल तोड़ते हैं। तोड़कर वो खा रहा है, नीचे वाले को दे रहा, बोलते कृष्ण को दे दो। वो क्या करता है, चेकिंग कर रहा है सेकेंड टाइम कंफर्मेशन के लिए। वो खाया, हाँ अच्छा है, बोलते नीचे वाले को तुम कृष्ण को दे दो। जब लास्ट जो है चौथा आदमी कृष्ण तक आता है, तीन आदमी का चूस लिया हुआ फल होता है, वो आता है, उसी को भगवान खा रहे होते। क्या लोगों को कंधे पे चढ़ाना और झूठा फल खाना ये पसंद है भगवान को? बोलते वो प्रेम पसंद है। जहां पर भगवान है, सर्वशक्तिमान है, इस चीज को भी भक्त भूल जाए और केवल उनके बिना रह ना पाए, ऐसे प्रेम में डूब जाए, भगवान को वही पसंद है। ये केवल वृंदावन के अंदर ही संभव है। इसीलिए भगवान को जो है ब्रजधाम ज्यादा पसंद है। नहीं है तो भगवान जैसे सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, उनके सभी अवतार सर्वशक्तिमान है। ऐसा नहीं है कि भगवान का जो है एक अवतार शक्तिमान है, दूसरा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सभी अवतार उनका सर्वशक्तिमान है, चिन्मय है, शाश्वत है, नित्य है, सब कुछ है। लेकिन रस विचार से, आनंद के विचार से भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय जो है ब्रज धाम लगता है, जो कि मूल स्थान है, जिससे अनंत ब्रह्मांडों का उत्पत्ति हुआ है, तो अनंत वैकुंठों का उत्पत्ति हुआ है, उसका मूल उद्गम स्थान ब्रज धाम है, जो भगवान को अतिशय प्रिय। कृष्ण को सखा लोग डांटते भी हैं, चल, ये विशेषता है, और वो सुनकर उनको अच्छा लगता है। भगवान स्वयं बोलते हैं, मेरे प्रियतम भक्त अगर मुझे शासन करते हैं, मुझे अगर उत्कोच देते, ताने देते हैं, वो मुझे वेद स्तुति से भी ज्यादा प्रिय लगता है। आप खुद ही देखो, कोई हमको बहुत ज्यादा प्यार करता हो, बोले तुम गधा है, तो गुस्सा नहीं आता, ऐसा हंसी आता है, ऐसा लगता है कि हाँ, क्योंकि मालूम है कि मुझे प्यार करता है। और अगर वही जो व्यक्ति प्यार नहीं करता है, वो अगर बोलेगा आपका दिमाग ठीक है, उसी से लड़ने जाएगा आदमी। क्यों भाई? कारण उसका यही है, क्योंकि प्रेम होता ही ऐसा। इसलिए भगवान वृंदावन छोड़ के कहीं जाना पसंद ही नहीं करते।
ऐसे दिव्य धाम चिंतामणि धाम, जहां पर असंख्य कल्प वृक्षों से भरा हुआ धाम है, परम पवित्र और बड़े सुशीतल जमुना जल के साथ शोभायमान वृंदावन, जिसके एक एक धूली कण चिंतामणि है, वृक्ष सारे कल्प वृक्ष है, लता आदि जितने भी है सब कल्प वृक्ष है, विभिन्न प्रकार के वन फूलों के मालाओं के वन के फूलों के द्वारा, अनेक प्रकार के फलों के द्वारा, सुंदर झरनों के द्वारा, अलग अलग प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर जो वृंदावन धाम है, जिसके अंदर श्री श्याम सुंदर श्री राधा जी के साथ में युक्त होकर अनेकों प्रकार की लीलाओं को प्रकट कर रहे होते हैं, उस वृंदावन को कृष्ण छोड़ के जाना ही नहीं चाहते, इसलिए वो जाते ही नहीं है। ये भक्त कह रहा है कि ये वो जगह नहीं चाहिए मुझे, बोलते कब वो समय आएगा, वो जो वृंदावन जहां कन्फर्म पता है कि भगवान यहां से जाएंगे नहीं, जहां कन्फर्म पता है कि राधा रानी का हृदय स्वरूप है, बोलते वो वृंदावन मेरा जीवन का एकमात्र आश्रय कब बनेगा, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। नारद गोस्वामी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप रहते कहाँ हैं, कहीं तो रहते होंगे, क्योंकि भगवान को अनेकों जगह पे देख रहे हैं नारद जी, खूब भ्रमण करते हैं, सब जगह देखते हैं। अब उनको एक कंफ्यूजन हुआ कि एक जगह में है एक नहीं है तो बात है, मुझे तो सब जगह दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने उनसे प्रार्थना किया कि आप कृपा करके बताएं आप रहते कहाँ हैं। तब नारद जी को भगवान बोलते हैं, मदभक्त यत्र गायंती, जहाँ मेरे भक्त नित्य निरंतर मेरा नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन करते हैं निरंतर, बोलते वहीं पर रहता हूँ मैं, तत्र तिष्ठामि नारद। और व्रजधाम ही एक ऐसा धाम है जहाँ पर आप प्रतिहता भाव से जितने भी भक्त हैं, वो चाहे गाय ही क्यों ना हो, गाय भी एक निमेश काल के लिए भी कृष्ण चिंतन से अलग नहीं रह सकती। आप देखेंगे गोविंद लीलामृत में वर्णन किया कि गाय सुबह दूध तभी देती है जब कृष्ण गौशाला में जाके मुंह दिखाते हैं उनको। 9 लाख गाय है, उनका दूध निकालना नहीं पड़ता, 9 लाख गाय का दूध निकालना खेल है, और ये 9 लाख गाय का दूध निकालना नहीं पड़ता, कृष्ण सामने जाके खड़े होके ऐसे देखते हैं भोले से, साथ साथ सारे गाय का दूध का धार निकल जाता है, ये लोग जाके दूध भर लेते हैं। सोचो पूरी रात इंतजार करती है कब सुबह होगा कब कृष्ण आएगा, और सुबह जब गौशाला में गोदोहन के बाद जब कृष्ण बछिया वगैरह लेकर के बछड़े लेकर के जब गोचारण के लिए चले जाते हैं, पूरा दिन गाय वही गौशाला में बैठ के शाम का इंतजार करती है कि कब शाम होगा कब कृष्ण वापस लौट के आएगा। देखें 24 के 24 घंटा पूरा का पूरा समय गाय भी कृष्ण चिंतन से अपने आप को अलग नहीं कर पाती, ये धाम है वृंदावन। मोर भी ऐसे, आप देखेंगे कोयल भी ऐसे, जितने भी व्रज के अंदर विराजमान जीव जंतु हैं, वो सब के सब कृष्ण का ही ओर, जिस दिशा में कृष्ण गए उसी दिशा में मुंह करके बैठी रहती है, ये विशेषता है, उनको और कोई ध्यान ही नहीं है। और अभी जितने भी अगर हम देखते हैं कृष्ण दर्शन के अभिलाषी भक्त, वो लोग सब हर तरह से मौका ढूंढते रहते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण का हम लोग दर्शन को प्राप्त करें, उनके श्रीअंग से स्पर्श किया हुआ वो दिव्य सुगंधमयी जो समीर है उसको हम लोग प्राप्त कर सके। ऐसा जितने भी दास दासी है
और जितने भी अन्य ब्रजवासी हैं वो लोग सब के सब कृष्ण के दर्शनों के लिए लालसा के साथ में बैठे रहते हैं। इसीलिए विशेषता है, कोई ना कोई बहाना बनाकर रोज नंद भवन पहुंच जाते हैं ताकि देख सके। सखा लोग तो कृष्ण के साथ जाते ही हैं, जितने भी सखा सब के सब टोलियों के टोली कृष्ण के पीछे पीछे चलते हैं। जितने भी माताएं द्वार पर खड़ी होकर के इंतजार करती कि कब कृष्ण आएंगे, यशोदा पूरा दिन उधर ही मुंह करके इंतजार करती कब कृष्ण वापस लौट के आएंगे, गोपियां किसी भी बहाने से निकल के जाती है, सब समय एक ही ध्यान रहता है कि श्याम सुंदर कब आएंगे। और इस ध्यान में मग्न हुई और हुए जितने भी व्रज जन हैं वो सब के सब का मुख वो है श्याम सुंदर। उनकी द्वारिका की महिषियों ने पूछा कि कृष्ण क्या किया वृंदावन में, बतलाइए तो, कृष्ण ने क्या किया वृंदावन में आप बतलाइए। जब माँ बोलने लगी दौड़ दौड़ करके कृष्ण बलदेव वहां पर आते हैं, और आने के बाद सुभद्रा उनको अंदर जाने देती नहीं, तीनों वहीं पे खड़े होकर अपनी ही लीलाओं को श्रवण करते हुए समाधिस्थ हो गए। ऐसी समाधि की अवस्था में स्वयं भगवान पहुंच गए, जो कि आत्माराम है, अपने अंतरात्मा में स्वयं रमण करते वो आज जो है अपनी लीलाओं को सुन के आनंद में डूब गए, उनका श्रीअंग पिघलना शुरू हो गया, श्रीअंग पिघलना शुरू हो गया। बड़ी अद्भुत बात है, ऐसी प्रेम की प्रगाढ़तम अवस्था जहां पर नित्य वर्तमान है वही वृंदावन है। इसीलिए बोलते हैं कृष्ण वहां से बाहर नहीं जाते। इसीलिए भक्त जो है ये कल्पतरु के नीचे आकर वो प्रार्थना करता है कि मुझे वो स्थान में लेके चलना जहां से मुझे कभी भी निवृत्त ना होना पड़े। ऐसा ना तद भासे ते सूर्यो न शशांको न पावका, कुछ भी नहीं होता यहाँ, यदगत्वा न निवर्तन्ते, वहां पहुंच जाने के बाद निवृत्ति नहीं। प्रेम में निवृत्ति कैसे हो सकता है? प्रेम में निवृत्ति नहीं होता। प्रेम जब प्रगाढ़तम अवस्था को प्राप्त होता है प्रेमी प्रेमिका का भेद को भी जो है समाप्त कर देता है। यद्यपि दो अलग तत्व होने के बाद भी वो दो में भिन्नता नहीं रहता, क्योंकि वहां पर दोनों के बीच को दोनों को एक करने का जो साधन है वो क्या है, एक दूसरे की प्रसन्नता, एक दूसरे को प्रीति विधान करने की प्रक्रिया। वहां पर जो है भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने में व्यस्त है, भक्त भगवान को प्रसन्न करने में व्यस्त है। भक्त भी भूल जाता है कि ये भगवान है, भगवान भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। दोनों के बीच में सिर्फ एक ही चीज रहता है, वो है प्रेम। और उस प्रेम की पूर्णाभिव्यक्ति जो है वो वृंदावन धाम के अंदर ही देखने को मिलता है, जहां कोई भी ऐश्वर्य नहीं, जहां पर कोई भी विचार नहीं, कुछ नहीं। बड़ा अद्भुत है। इसलिए बोलते हैं वो स्थान मेरे जीवन का आश्रय स्थान कब बनेगा, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। उसके अलावा और कहीं भी जाएंगे वास्तविकता में पूर्ण आनंद को अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये आचार्य जो है हमको वहां लाकर हमको शिक्षा दे रहे हैं कि मांगना ये, लालसा इस चीज का रखना। ऐसे जैसे बच्चे को माँ सिखाती है ऐसे चलो हाथ पकड़ के सिखाती है, ऐसे हमारे गुरुजन जो है हमको सिखा रहे हैं। अगर ये नहीं तो आदमी भगवान के पास जाके क्या मांग लेगा, धन दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, फलाना दीजिए, यही सब मांग रख के अपने भाग्य को जो है मंद बना लेगा। यहाँ बोलते कि ना ऐसा नहीं, मांगना ये है, लालसा इस चीज का कारण। वास्तविकता में जिस दिन
व्रजधाम मेरे जीवन का आश्रय स्थान बनेगा, उसी दिन क्या बोलते हैं यहां पर, मेरे जीवन में शुभ दिन का उदय हुआ है। अब जो है एक विचार और दिया, मतलब यह है कि जो आदमी वृंदावन जा ही नहीं सकता, जा नहीं पाया किसी कारण से, इसका मतलब उसका भाग्य मंद है। बोलते नहीं, वो बोलते हैं व्रज धाम क्या है, वो बोलते हैं व्रज धाम मतलब है गुरुदेव का कृपा, कृष्ण कृपा जो है वो गुरु रूप में आता है और गुरुदेव हमारे जीवन में आके हमको व्रज के साथ में जोड़ते हैं। वो एक जीव को व्रज के साथ में जोड़ने का माध्यम बन करके आते हैं। इसीलिए जिसके जीवन में सद्गुरु का प्राप्ति है, वो चाहे पृथ्वी में कहीं पे भी है, वो व्रज के साथ में जुड़ा हुआ है, वृंदावन के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे रसिक भक्तों का जिसको कृपा प्राप्त हुआ है, इसलिए हमारे पूर्वाचार्य बोलते हैं अनेक दुखेर पुरे लई छीले व्रजपुरे, कृपा डोर गलाए बांधिया। वो जो कृपा का डोर गले में बांध दिया है गुरुदेव ने, उसके बाद मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, व्रजपुर में। इसलिए मैं कहीं पे भी हूँ गुरु कृपा के साथ में हूँ, मतलब मैं वृंदावन में ही हूँ। गुरुदेव स्वयं कौन है, बोलते श्री राधिका जी के अनुगत जन है और राधिका जी का हृदय ही वृंदावन है। श्री राधा जी का हृदय जो है वही वृंदावन है और वही श्री राधा जी के जो अनुगत जन होते हैं उनके ही वही हमारे गुरुदेव होते हैं। इसलिए गुरुदेव का यद्यपि यत्याश्रम में होने के बाद भी स्वरूप से वो राधा जी के दासी होते हैं ऐसा। और एक दासी जो है उनके आश्रय में आए हुए व्यक्ति को क्या करती है, ले जाकर श्री राधा जी की सेवा में नियुक्त कर देती है। इसीलिए सदगुरु के पाद पद्म में आश्रय ग्रहण किया हुआ हर व्यक्ति, उसको समझ हो या ना हो, वो वृंदावन के साथ में जुड़ गया है। ये विशेषता है, नहीं तो लोग समझे स्थूल रूप से वहां जाने से ही होता है ना, बोलते हैं वृंदावन इस प्रकार से होता है। हमारे पूर्वाचार्य जगत गुरु शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी, उस समय ये भी लगभग 100-150 साल पुरानी बात है, उन्होंने एक भक्त से कहा, जब एक भक्त उनके पास में आए, आकर के कहने लगे कि मैं धाम में आया, वापसी का टिकट लेकर के आया, अब मुझे वापस जाना होगा। कहाँ आया, मायापुर में आए थे। बाबा जी महाराज किसी से बात नहीं करते थे, एकांत प्रिय थे, निर्जन में बैठ के नाम का आनंद लेते थे, नाम जप किया करते थे निरंतर, अधिक समय गोद्रम द्वीप में रहते थे जलांगी नदी के उस पार में। अभी ये जब उनको मिलने के लिए गए, ये उनसे कह रहे हैं कि मैं वापस जाने के लिए आया, दर्शन करके वापस चला जाऊं, तो बाबा जी महाराज ने कुछ नहीं कहा, एक ही शब्द कहा, धाम में आके तो कोई लौट के जाता नहीं। उन्होंने ज्यादा बात करना नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोला, धाम में आके तो कोई लौट के जाता नहीं। ये बात उनके हृदय को स्पर्श किया, क्योंकि विद्वान व्यक्ति थे ही। जैसे ही वापस गए, साथ साथ मंत्र ग्रहण किया गुरुदेव से कि मैं भी धाम से अब वापस नहीं जाऊंगा। स्थूल शरीर अवश्य ही उनका बाहर गया है, लेकिन जो गुरुदेव का आश्रय उन्होंने ग्रहण किया, उसके बाद वो कभी धाम से बाहर हुए ही नहीं। इसलिए बोलते हैं व्रजधाम मेरा आश्रय स्थान हो, मतलब है मुझे भगवत कृपा की प्राप्ति हो, मतलब सद्गुरु का प्राप्ति मेरे जीवन में हो, ये प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए बोलते हैं लास्ट में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये बात यहाँ बतला रहे हैं, श्रीअनंग मंजरी चरण शरण ये भक्ति विनोद आशा करे अनुक्षण।
अनंग मंजरी जो है श्री राधिका जी की प्रधान दासियों में से एक है, वो बोलते उनके श्री चरणों का शरण जो है वही मैं हर क्षण आशा करता हूँ, क्योंकि उनका शरण प्राप्त हुआ है मतलब है कि व्रज में अनुराग हुआ है, व्रज धाम में उनको स्थान प्राप्त हुआ है, ये विशेषता है। क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं वैष्णवों का संसर्ग जो है, वैष्णवों का संग, क्या बोल रहे हैं? मोर पूरी वे कामना, मेरा जो कामना है वो पूर्ण करेगा। पहले व्रजधाम की बात बोल रहे हैं, अब वैष्णव बोल रहे हैं वहां पर, बोलते हैं वैष्णवों का जो संसर्ग है वो मेरे कामना को पूर्ण कर देगा। अब आपकी कामना क्या है? ये जो संसार का जो ज्वाला, ये संसार का जो ताप है, जलन जो है, वो बोलते हैं ये सब समाप्त होना है। अब देखो ना, कोविड आया, ये भी तो आग ही की तरह है, जला रहा है लोगों को, है ना? सारे दुखी हैं, जिसके पास चाहे सब कुछ है वो भी सुखी नहीं है कोविड के चलते, जिसके पास कुछ नहीं वो तो दुखी है ही है। हर तरह से मतलब वो जो ज्वाला है, ताप जो है, वो दुख दे रहा है, एक रूप से नहीं है। ये अभी प्राकृतिक आपदा के रूप में आया, इसके अलावा जो है भौतिक ताप है, और इसके बाद आध्यात्मिक ताप है। ये सारे त्रितापों के द्वारा ये संसार जो है ये कैसे हो रहा है? जैसे आग का गोला जला हुआ है उस तरीका से हो रखा है। बोलते हैं मैं वो स्थिति में हूँ, इसीलिए मैं चाहे बाहर की दृष्टि से कितना भी समृद्ध हूँ, मैं सुखी तो हूँ ही नहीं। इसलिए बोल रहे मेरे जीवन में शुभ दिन तो आया नहीं, वो तब आएगा। कब आएगा? जब मैं वैष्णवों के संसर्ग में जाऊंगा। चलो मैं सोचूं कि ये संसार का ही ज्वाला है। बोलते और भी एक परेशानी है, वो क्या है? वो बोलते विषय वासना, ये और भी भयंकर है। संसार का आग को शांत किया जा सकता है, लेकिन विषयों के प्रति जो वासना है उसको तो शांत किया ही नहीं जा सकता। भगवद गीता में भगवान बोलते बुद्धिनाशो प्रणश्यति, अगर ध्याय तो विषयान पुंसा, जब विषयों का ध्यान कर रहा है तो उन विषयों को प्राप्त करने की कामना आता है, वो कामना ही जब प्रगाढ़ होता है तो वो वासना बन जाता है, वो उससे फिर निकल नहीं पाता। ऐसे इसलिए बोलते विषयों के प्रति जो वासना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के प्रति जो वासना है वो बड़ा भयंकर रिजल्ट देने वाला होता है। उसका जो जालन, जो जलन जो है, उससे तो हम पार नहीं पा सकते हैं। एक बार संसार का तकलीफ से हम बच भी जाएं, आदि दैविक ताप भी ना हो, आदि भौतिक ताप भी ना हो, आध्यात्मिक ताप भी ना हो, लेकिन ये विषय वासना का जो ताप है बड़ा भयंकर है। हमारे आचार्य कहते हैं विषय वासना अनले मोर हिया सदा ज्वले रवितप्त मरुभूमि समा। रवितप्त मरुभूमि समा, मरुभूमि रेगिस्तान, और रवितप्त मान लो जून के महीने के अंदर रेगिस्तान के ऊपर जो सूर्य का ताप पड़ता है दोपहर का, जिसकी कल्पना भी हम कर नहीं सकते, इतनी भयंकर होता है, और दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं होता है, प्राण ऐसे संकट वाली स्थिति में होते हैं। बोलते हैं मेरा हृदय जो है ये वासना के अनल में ऐसा ही जल रहा है, उसी प्रकार से जल रहा है। इतना जलन, इतना तकलीफ रख के कहां आदमी के साथ में अच्छा हो रहा है। इसीलिए वो कह रहे हैं कब मेरे जीवन में वो शुभ दिन आएगा, कौन सा दिन? जब वैष्णवों का मुझे संसर्ग मिलेगा, ये सारे दुख का जाला से मैं निवृत्त होकर
वृंदावन धाम का एकांतिक आश्रय ग्रहण करूंगा। अब देखो ये प्रार्थना कर रहे हैं वहां पर, नहीं है तो होता क्या है, हमारी वृत्ति कैसा है? आग देख रहे हैं तो उसमें घी डालने का वृत्ति होता है, ऐसा। भोग को भोगने से कभी भी भोग से निवृत्ति नहीं आता है, भोग को भोगने के बाद भोग से निवृत्ति नहीं आता, ऐसा इच्छा होता है कि और कुछ अलग तरीका से भोगूं, लेकिन भोग वासना जरूर रहेगा। और भोग को भोगते हुए व्यक्ति के अंदर केवल रोग आता है, और ये सत्य है। इसलिए शास्त्र कहते भोगे रोग भयम्, जहां भोग की प्राधान्यता है वहां रोग का भय निश्चित रूप से रहता है। अब शरीर है तो उसका पतन होने का डर रहता है, धन है तो उसका चोरी होने का डर रहता है, सुंदर होने से कुरूप होने का डर रहता है, कुछ भी रहता है। थोड़ा सा बाल सफेद हो गया तो टेंशन शुरू हो जाता है, ऐसा। हमको सबसे पहले जब सफेद बाल हुआ था यहां हुआ था, हल्का सा दाढ़ी में एक स्पॉट की तरह। हम तो रोज शेव करता नहीं था, ऐसे ही रखता है हमेशा शुरू से, कभी कभी करता था जब बहुत ही इचिंग होता था, नहीं तो महीने महीने ऐसे ही रहता था। कई साथियों ने एडवाइस किया, या तो रोज शेव करो या फिर इतनी हिस्से में रंग मार दो। ऐसे कहने का मतलब, वो प्रेम के कारण बोला बेचारों ने, उनकी समझ के अनुसार, लेकिन गुरुजी का वो कभी विचार था नहीं, इसलिए, और वो शिक्षा भी नहीं, इसलिए हम लोग ऐसे मार्ग में गए नहीं। कहने का मतलब है कि सफ़ेद बाल होने से टेंशन, झुरिया पड़ने से टेंशन, पैसा होने से टेंशन, कुछ भी होने से टेंशन, हमेशा डर रहता ही है। और भोग में विशेष रूप से रोग का डर रहता ही रहता, क्योंकि भोगी निश्चित रूप से रोगी ही बनेगा। तो इसीलिए ये विषयों की वासना अगर पूरा भी होता है तो भी वो व्यक्ति को पतन की ओर ही लेके जा रहा है। भगवान ने गीता में बोल दिया, बोलते बुद्धिनाशो प्रणश्यति, मतलब है कि व्यक्ति विषयों का ध्यान करते हुए उसकी वासना में डूब जाता है तो उसका बुद्धि का नाश होता है सुनिश्चित रूप से। जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया उसका जीवन तो समाप्त हो गया फिर तो। ऐसे जो बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति है उसका अच्छा दिन कहाँ आएंगे, कभी नहीं आएंगे। वो तो इसलिए बोलते ये मेरे लिए मंगलमय दिन तो तब आएगा जब मैं वैष्णवों के संसर्ग में रहूंगा। जो अवैष्णव है, मतलब वैष्णव कौन है, ये कोई जाति पाति ऐसा कुछ नहीं है, जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान के चरणों में शरणागत है, वही वैष्णव है। इसलिए वैष्णव कोई भी जाति, कोई वर्ण, कोई आश्रम, इन सब चीजों से ऊपर होता है। वो कोई भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, लेकिन भगवान के चरणों में एकांतिक आश्रय और प्रेम होना जरूरी है, वही वैष्णव है। आप बोलते ऐसे जो वैष्णवों के संसर्ग में आया तो वो लोग सबसे पहले ही स्थूल सूक्ष्म आदि शरीरों को तिरस्कार करते हुए आत्मा की अपनी वृत्ति को जगाने वाला भगवान के कृपा के साथ मेरा परिचय बना देंगे। भक्त की बहुत बड़ा योगदान है। जब तक आदमी सोचेगा कोई बात नहीं, फिर सोचेगा मन को बहलाता रहेगा, शरीर को फुसलाता रहेगा, तब तक तो आदमी इसी में फंसा रहेगा। फिर तो हमारे परमाराध्य श्रील गुरुदेव जिस समय हॉस्पिटल में थे, 90 साल का उम्र था गुरु जी का लगभग, वो हॉस्पिटल में हैं, अब दवाई खा रहे हैं, और हम लोगों को देख के गुरु जी उपदेश देते हुए ऐसे 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 करके मार मार के बोल रहे हैं, ये जगह पूरा लाल हो गया था, एकदम सुकुमार से हाथ थे गुरु जी के, ऐसे पत्थर जैसे नहीं थे, कोमल से थे। कष्ट बहुत किया, क्योंकि वो कभी भी आराम से रहे नहीं हैं, उन्होंने शरीर को कभी भी आराम नहीं दिया, उन्होंने यंत्र की तरह काम किया। इतना कष्ट करने के बाद भी उनके सुकुमल चरण है, हाथ है, सब है,
वो आवाज भी एकदम गंभीर आवाज है, ऐसे मारते मारते एक ही बात बोला गुरुजी ने, जीवन भर हमने यही बोला कि ये शरीर नाशवान है और तुम लोग इसको बचाने में व्यस्त, भगवान में भरोसा नहीं है। चलो भगवान का नाम करो। कौन बोल सकता है ऐसा? कौन बोल सकता? कोई नहीं बोल सकता, ऐसे महापुरुष ही बोल सकते हैं। नहीं है तो लोग सुविधा लेके अपने आप को बचाओ उस चीज में रहते हैं। गुरुदेव ऐसा नहीं है, बोलते तुम ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के प्रति जो तुम्हारा जो आकर्षण है उसको तुम छोड़ो, और कनेक्ट किससे होना है? बोलते भगवान से। हमारा कनेक्शन जो है भगवान के साथ होना चाहिए, यही काम महापुरुष करते हैं। इसीलिए यहां पर बोलते वैष्णव संसर्ग में आकर यह सारा तकलीफ अपने आप चला जाएगा। हमारे आचार्य कहते हैं वैष्णव संगेते मौन आनंदित अनुक्षण, वैष्णवों के बीच में जो है हमेशा आनंद है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो लोग इस संसार की बात नहीं करते हैं, वो उस चिन्मयी जगत की बात करते हैं जहां पर केवल भगवान है और भगवान के प्रेमी जन है बस और कुछ। और भगवान होने के कारण वहां निवृत्ति बोल करके कुछ नहीं है। इसीलिए अगर वहां शरीर है, वो शरीर बढ़ना, बाल सफेद होना, बुढ़ा होना, शरीर त्याग करना, ये सब नहीं होता है। जन्म मृत जराव्याधि नहीं होता है, त्रिताप नहीं होता है, विषय वासना नहीं रहता है, विकार नहीं रहता, काम नहीं है, क्रोध नहीं, कुछ नहीं है। जब कुछ भी नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट कहां से होगा? भ्रष्ट तो तब होगा जब विकार होगा। कोई भी विकार नहीं वहां, शरीर में विकार नहीं है। जब जन्म ही नहीं है तो फिर विकार काम। यह शरीर जन्म होने के बाद विकार को प्राप्त करते 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 ये रूप में आया देखा जाए तो, और आगे विकार प्राप्त करते करते ऐसा रूप में आएगा, और विकार जहां पराकाष्ठा में पहुंच जाएगा तो मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसमें बीमारी भी विकार का ही परिणाम है, बुढ़ापा भी विकार का परिणाम है, मृत्यु भी विकार का ही परिणाम है। वहां पर ना चंद्र है ना सूर्य है, ना सूर्य का ताप है ना चंद्र की शीतलता, ना आग है ना हवा है ना कुछ है, तो फिर इस प्रकृति के अंदर रहने वाला कोई भी प्राकृतिक वस्तु उस धाम के अंदर है ही नहीं है, तो उसका प्रभाव भी हम पर नहीं होगा। प्रकाशमान स्वरूप है भगवान का, जैसे सेल्फ लुमिनियस है, जैसे रेडियम चमकता है ऐसे, लेकिन ताप इतना भी नहीं है। सूर्य का प्रचंड तेज है सूर्य की तरह, लेकिन शीतलता चंद्र की तरह है। कैसे हो सकता? पूरी तरह से भिन्न है। ऐसा बोल दिया, इसीलिए कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता जिस प्रकार से होता है भगवान के दिव्य अलौकिक धाम के अंदर भी, उनकी हर लीला हर वस्तु में ऐसी शीतलता बरसने लगता है। चांद की चांदनी वहां पर बरस रहा है, लेकिन प्रकाशमान सूर्य की तरह है, इतना अंतर है। इसलिए बोल दिया ना तद भासेते सूर्यो ना शशांको ना पावक, मतलब है कि वहां पर कोई इस भौतिक जगत के अंदर जो विकार को प्राप्त होने वाले स्वरूप में कुछ भी नहीं है। यदगत्वा ना निवर्तन्ते, इसीलिए वहां पर काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं, लोभ भी नहीं, मोह भी नहीं, कुछ नहीं है। वहां केवल एक ही चीज रहता है, वो है कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा, केवल मात्र मेरे गोविंद की संतुष्टि। उसके लिए जो चाहिए भक्त वो करता हुआ चला जाता है, कितना आनंद है। वही बात यहां पर बता रहे, जब वो आनंद का पल मेरे जीवन में आया तो मैं समझूंगा वास्तविकता में कि मेरे जीवन में वो शुभ दिन का उदय हो गया है, वो शुभ दिन का उदय हो गया है, ये विशेषता है। इसीलिए बोलते हैं
जो भगवान को प्रेम नहीं करता, जो भगवत विमुख व्यक्ति है, उसमें कोई सद्गुण होता नहीं। जब सद्गुण जिसके अंदर है ही नहीं है, वो चाहे दुनिया के नजरों में कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो वास्तविकता में सुखी नहीं रह सकता है। क्योंकि जब उसमें सद्गुण ही नहीं है, अच्छा गुण ही नहीं है, सद्गुण क्या है? वो बोलते हैं भगवान के चरणों में एकांतिक रति, वही सद्गुण है। सब कुछ देने वाला वही है। भगवान ही माता है, भगवान ही पिता है, भगवान ही प्रभु है, भगवान ही सर्वस्व है। बोलते हैं तुमैव माता च पिता त्वमेव, तुमैव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुमैव सर्व मम देव देव, आप ही है नाथ, सब कुछ मेरा आप ही है। और उसके बाद भी उनके शरण में नहीं जाना और उनसे विमुख होकर के इस संसार में धक्के खाने वाला व्यक्ति जो भी होता है, उसके अंदर एक भी सद्गुण नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं वैष्णवों का संसर्ग में, मतलब वो व्यक्तित्व जिसको इस बात का ज्ञान है और जो अपनी कृपा से मुझे अपने पतनोन्मुख स्थिति से उत्थान करके भगवान के दिव्य चरणों में स्थापित करें, उस परमानंद प्रदान करें, वही वैष्णव है। बोलते हैं उनकी कृपा से ही सब होगा। और क्या बोल रहे हैं, मैं हमेशा और हमेशा के लिए ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके चरणों में एकांतिक रति की कामना करता हूं। यही प्रार्थना हम लोगों को करना चाहिए, बस, और कोई प्रार्थना नहीं, एकमात्र यही प्रार्थना है। तब जाकर के हम सुखी रह सकते हैं। जो हो पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।